दिक्कत आ गई है गाइस पल्सर में, इसका ना टायर कट गया है। देखो अगर इधर से दिख रहा होगा तो बताता हूँ कहाँ पे कटा है। ये देखो, ये रहा, यहाँ ये कट गया है बस। हाँ, ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये कट गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहीं पे भी पंचर बन नहीं रहा है। और हम लोग यहाँ एक जगह और ट्राई कर लूँ, फिर इसके बाद मैं इसको और कहीं लेके जाता हूँ पहिया खुलवा के। तो एक के बाद एक दिक्कतें आती जा रही हैं बाइक में। तो गाइस ये क्या हो रहा है, अभी लाइन गलत है टायर। अरे पंचर है यार। अलॉय खुल गया अपना, ये रहा भैया। अब देखते हैं कि कैसे बनता है ये। देखो अभी कितना वाइट दिख रहा है ना, तो पल्सर में अलॉय ही छोटा आता है, रिम ही छोटा है, तो पहिया कैसे ही वाइट दिखेगा। पहिया तो देखो कितना ज़्यादा वाइट है, देखिए इसमें अलॉय ही छोटा आता है। तो ये देखो गाइस, ऐसे पंचर बना हुआ है, मतलब ये एक टिकिया फिर उसके ऊपर दूसरी टिकिया लगाई गई है, ऐसे करके पंचर बनाया गया है। सो फाइनली गाइस टायर लग गया है, देख रहे हो यहाँ पे बन चुका है पंचर। मैंने क्लिप अभी ऐड कर दी होगी कि कैसे बना है अंदर से पंचर ट्यूबलेस टायर का, तो देख सकते हो आपने, ये देख लिया होगा।